नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 29 मार्च बुधवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा सुर्खियों पर। विक्षिप्त शख्स ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। क्षेत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर सुख समृद्धि की कामना के लिए नगर पूजा हुई शुरू। भगवान चिंतामण गणेश की चौथी जत्रा में छाया भक्ति का उल्लास। घर के बाहर सिगरेट पीने पर विवाद में हुई मारपीट और 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन कार्य स्थगित। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम टंकारिया में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मानसिक विक्षिप्त बताए जा रहे इस शख्स ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। दरअसल नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम टंकारिया में रहने वाला 40 वर्षीय ओमकार पिता भागीरथ नरवरिया करीब 2 साल से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मंगलवार रात सभी घर में सो रहे थे, तभी रात करीब 12 बजे ओमकार उठा और सो रही पत्नी ताराबाई उम्र 35 साल पर चाकू से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर 12 साल की बेटी रवीना माँ को बचाने आई तो ओमकार ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। यह देख 15 साल का बेटा अंकित और 10 वर्षीय मोहित भी कमरे में पहुंचे तो ओमकार ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों घर में ही छुप गए। घटना के बाद ओमकार ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। इधर ताराबाई को चाकू के 3 गहरे घाव लगने और बेटी को भी पेट के साथ दिल के पास चाकू लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे आसपास में रहने वाले रिश्तेदार मजदूरी के लिए उन्हें जगाने पहुंचे तो घटना का पता चला। इसके बाद घर में छिपे अंकित और मोहित को भी बाहर निकालकर नरवर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में घायल पड़े ओंकार को जिला अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। इधर FSL टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। सुबह करीब 9:30 बजे भगवान सिंह जो सरपंच प्रतिनिधि है उनका फोन आया था कि साहब टंकरिया गांव में माँ बेटी को मार डाला है और उनके पति ने मारा है तो और पति भी घायल है, उसको अस्पताल भेजा है। सूचना पर हम तत्काल घटनास्थल पर आए, यहाँ देखा ताराबाई जिनकी उम्र करीब 35 साल है और उनकी लड़की रवीना जिसकी उम्र करीब 13 साल है मृत अवस्था में पड़े थे और उनके लड़के ने रिपोर्ट में बताया कि रात को करीब 11 बजे सब सो गए थे, अचानक रात को 12 बजे नींद खुली, पिताजी माँ की आवाज़ आई चिल्लाने की तो बोले नींद खुली तो देखा पिताजी माँ को चाकू मार रहे थे और लड़की बचाने गई तो उसको भी चाकू मारा और पिता ने बोला कि तुम बीच में चिल्ला चोट करो तुमको मारूंगा, तो दोनों रात भर डर के मारे पड़े रहे। ओंकार ने भी खुद को चाकू मारे, दवा भी पी और सुबह फिर इनके 9 बजे जब दरवाजा नहीं खुला तो इनके काका हैं मुकेश, वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलो, तब बच्चों ने दरवाज़ा खोला, तब इस घटना का सबको पता चला। आरोपी को भी हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटलाइज किया है उसको, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये थाना नरवर क्षेत्र में टकारिया गांव है जहाँ पे 2 मर्डर की सूचना मिली थी। अभी मेरे द्वारा घटना स्थल निरीक्षण किया गया है। चाकू से हत्या की गई जाना प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया में, और चूंकि मामला घर में ही है, मृतिका शायद सोने वाली अवस्था में थी और फिर उसके बाद विवाद के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है तो उसकी जांच की जा रही है। भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया है और अभी जांच की जा रही है। कितने बार आपको एग्जैक्टली डॉक्टर बताएगा, मल्टीपल वुंड है, 3-4 से ज्यादा ही है दोनों को। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर बुधवार को 24 खंभा माता मंदिर पर मां महामाया और महालया का पूजन कर मदिरा का भोग लगाया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज और नवागत SP सचिन शर्मा ने पहले पूजन किया और फिर मां को मदिरा का भोग लगाया। माता की महाआरती के पश्चात शहर के 40 से अधिक मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का काफिला आगे बढ़ा।
दरअसल श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा पिछले कुछ सालों से चैत्र नवरात्रि में नगर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अखाड़े के सचिव व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने इसकी शुरुआत की थी और इस बार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में नगर पूजा हुई। बुधवार सुबह 8 बजे सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही इस परंपरा का रविंद्रपुरी महाराज ने निर्वहन करते हुए माता का पूजन कर उन्हें न सिर्फ मदिरा का भोग लगाया बल्कि शहर की सुख समृद्धि के साथ ही देश और प्रदेश को महामारी के से बचाए रखने की कामना भी की। मां महामाया और मां महालया को मदिरा का भोग लगाने के बाद रविंद्रपुरी महाराज मदिरा की मटकी लेकर यात्रा का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। नगर पूजा के दौरान बैंड बाजे, ढोल और नगाड़ों के साथ ही तोपची इस यात्रा के आने की सूचना शहरवासियों तक पहुंचा रहे थे। बताया जाता है कि नगर पूजा के दौरान शहर के 40 से अधिक देवी देवताओं के मंदिर में पूजा की जाएगी और सभी मंदिरों के ध्वज भी बदले जाएंगे। बुधवार रात 8 बजे हाड़ी फोड़ भैरव मंदिर पर यात्रा का समापन होगा। यह नगर पूजा 27 किलोमीटर की है और जिसमें पूजन के समाप्त होने तक मटकी से मदिरा की धारा सतत बहती रहेगी। जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने जो है उज्जैन में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए भोग आदि की व्यवस्था की थी, जो आज तक परंपरा चली जा रही है। और जो आप मुझे देख रहे हैं ये मटकी लेके मैं जा रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत प्रेत पिशाच जो भी उज्जैन में है, जो अतृप्त आत्माएं हैं उनको तृप्त करने के लिए भोग लगाया जाता है। आज की जो यात्रा हमारी करीबन 27 किलोमीटर और 40 मंदिरों में यात्रा जाएगी, क्योंकि आज तक उज्जैन के जितने भी मंदिर मैं समझता हूँ उज्जैन में आप उन मंदिरों में नहीं गई है, जो आज आप हमारे साथ उन मंदिरों में जाएंगे। माँ अष्टमी है, चैती नवरात्रि की नगर पूजा दी जाती है। उज्जैन में नगर पूजा इसलिए दी जाती है मैया को कि कहीं महामारी आए या कोई बीमारी आए या कुछ भी आए, माँ को मनाने के लिए कि मैया आप जो है बीमारी सब शांति करो, इसलिए आपको मनाया जाता है, पूजा दी जाती है। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुफ्त उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स और अब गर्मी के मौसम में लुफ्त उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ, तो कोई भी हो ओकेजन हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड ट्रेजर मॉल के सामने महाकाल वाणी जी उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। चिंतामण गणेश मंदिर में बुधवार को चौथी जत्रा का आयोजन किया गया। अल सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुले, इसके बाद भगवान चिंतामण गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। जत्रा के साथ चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। दरअसल हर साल चैत्र मास की शुरुआत होते ही भगवान चिंतामण गणेश की जत्राओं का क्रम भी शुरू हो जाता है। बुधवार को चौथी जत्रा पर भगवान चिंतामण गणेश का मनोहारी श्रृंगार किया गया, इसके बाद आम श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान चिंतामण गणेश के दर्शन कर चुके थे। इधर मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए सुगम दर्शन तथा पेयजल आदि के इंतजाम भी किए हैं। भगवान चिंतामण गणेश की अंतिम एवं शाही जत्रा 5 अप्रैल को आयोजित होगी। चैत्र मास की जत्राएं हैं, उसमें ये चौथा बुधवार है, एक बुधवार और आएगा 29 तारीख का रहेगा। इस वर्ष 5 बुधवार आए हैं इस चैत्र मास में और 5ों को जत्रा रही है। दर्शनार्थी अपनी श्रद्धा लेकर के आते हैं, भगवान गणपति को मनाते हैं और चैत्र मास में मांगलिक कार्य के लिए भगवान गणपति को मनाते हैं, वंश वृद्धि के लिए मनाते हैं और किसी प्रकार के कार्य अगर रुक रहे हो, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या हो, तो गणेश जी को मना करके मन्नत मांगते हैं और उनको उस कार्य में सफलता मिलती है। इन बुधवारों की यह महत्ता है इस चैत्र मास की जत्रा की। आखिरी जो जत्रा रहती है उसको शाही जत्रा के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, समापन का पर्व रहता है तो शाही जत्रा के रूप में मनाते हैं, उस पर 5वीं जत्रा रहती है, जो भी बाकी रह जाता है वो गणेश जी से लोग आकर के प्रार्थना करते हैं और उसके सही स्वरूप में
मनाया जाता है। घर के बाहर सिगरेट पी रहे तीन लोगों को मना करना एक युवक को इस कदर भारी पड़ा कि तीनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने वालों को भी पीटा गया। इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल कमरी मार्ग स्थित वजीरपुरा बाखल में रहने वाले बुरहानुद्दीन पिता यूसुफ अली के घर के बाहर मंगलवार रात करीब 9:30 बजे महमूद हुसैन निवासी गोंसा दरवाजा, मनशात पिता महमूद हुसैन और जुनेद पिता मजहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। इस पर बुरहानुद्दीन ने उन्हें सिगरेट पीने से मना किया तो तीनों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। झगड़ा देख भाई मोहम्मद अली असगर और पड़ोसी यूसुफ शाकिर बीच बचाव करने आए तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके अंदर मनशात हुसैन नाम का एक लड़का था, एक जुनेद नाम का लड़का था और एक और लड़का था। तीन ये लड़के थे और इसके एक दो इनके साथी भी थे। ये 5-7 लोग आए थे, इन्होंने मारा था और एक ने तो धारदार हथियार से वार करा था मेरे भाई के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा नाम, भाई का नाम है मोहम्मद नाम है उसका, उनके सर में चोट आई है उसके, उसको टाके वगैरह सब आए हैं। अभी उसका MRI वगैरह अभी होना बाकी है। नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ये सिर्फ सामने बैठे हुए थे, उनको मना करना उनको इतना भारी लग रहा था कि उनको मैंने मना क्यों करा है हटने के लिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन का कार्य उज्जैन सहित इंदौर, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में स्थगित कर दिया है। बेमौसम बारिश के चलते गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ने से यह निर्णय लिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पिछले दिनों बेमौसम बारिश हुई थी और जिसके चलते उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों के उपार्जन केंद्रों पर नमी वाला अमानक गेहूं विक्रय के लिए पहुंच रहा था, जिसके चलते FAQ गुणवत्ता के गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में किसानों को अपना गेहूं सुखा कर लाने का अवसर देने के लिए 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन का कार्य स्थगित कर दिया गया है। ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा उक्त अवधि में गेहूं बेचने के लिए की गई स्लॉट बुकिंग को भी निरस्त कर दिया गया है। अब किसानों को पुनः स्लॉट की बुकिंग करवाना होगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।